to yet another video of fun English class जहां आप मेरे साथ यानी कि सुमन के साथ सीखते हैं English बहुत ही मजेदार और interesting तरीके से at your comfort and at your home. So friends, आप लोग को तो पता ही होगा कि हम एक ही word English का बहुत ही तरीकों से use कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को किसी और को express कर सकते हैं. आइए इसका example मैं आपको दिखाती हूँ. What is your name? या फिर What have I done? या फिर What? या फिर What is your problem? तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको इस वीडियो में क्या समझाने वाली हूँ. क्या समझाने वाली हूँ? अरे क्या ही तो समझाने वाली हूँ. जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में क्या समझाने वाली हूँ, यानी कि मेरे साथ आज आप सीखेंगे यूजेस ऑफ द वर्ड व्हाट. सो व्हाट वर्ड को हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं इंग्लिश में. तो चलिए देखते हैं कि हम व्हाट को कैसे अपनी सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. सो जनरली जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं किसी से भी, तो व्हाट शब्द का प्रयोग तो जरूर होता है. लाइक व्हाट इज योर प्रॉब्लम, या फिर व्हाट इज योर नेम, या फिर व्हाट इज योर एड्रेस, या फिर व्हाट आर यू वेयरिंग, या फिर व्हाट टाइम योर ट्रेन इज लीविंग. सो देखा जाए तो हम व्हाट का यूज लगभग हर उस बार करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो पहला ये कि जब हम कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो जनरली क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन जब हम एंड करते हैं, और ये हम अगर रिटन फॉर्म में कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं. तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. सो दोस्तों, हमारी बातचीत जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, या फिर जब हम किसी सेकंड पर्सन को किसी थर्ड पर्सन की कोई भी बात बताते हैं, तो हम अगर व्हाट का प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट वे में, तो हम उसको कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं. शी आस्क्ड मी व्हाट इज माई नंबर. मतलब कि यहां मैं किसी सेकंड पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रही हूं, या फिर शी आस्क्ड मी व्हाट वाज आई वेयरिंग यस्टरडे. मतलब कि मैं ये किसी को बता रही हूं कि किसी थर्ड पर्सन ने मुझसे पूछा कि मैं कल क्या पहने हुई थी. राइट, सो अगर हम किसी को इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, तो हम व्हाट का प्रयोग मोस्टली हम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस में करते हैं. जैसे कि आई वंडर व्हाट इज शी डूइंग टुमारो, या फिर आई वंडर व्हाट वुड आई हैव डन विदाउट यू. तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्टली किसी सेकेंड पर्सन की बात कर रही हूँ खुद ही से. सो यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल बीच में आता है. ठीक है दोस्तों, आपको आसान तो लग रहा है ना ये क्या का किस्सा. ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं. जब हम किसी को कुछ रिपीट करवाने के लिए कहते हैं, तो कई बार हम पूछ लेते हैं सॉरी व्हाट. मतलब कि अगर किसी ने कुछ आपसे पूछा और आपको सुनाई नहीं दिया या सुनने में गलती हुई, तो आप उनसे ऐसे पूछ सकते हैं सॉरी व्हाट. वैसे अगर आप इसमें सिर्फ सिंपली ऐसे ही पूछें कि सॉरी, वो ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट वे हो जाता है. बट अगर आप किसी से कैजुअली बात कर रहे हैं और कोई आपसे पूछता है डिड यू ईट चिकन यस्टरडे, और आपको याद नहीं रहता या फिर आपको सुनाई नहीं देता ठीक से, तो आप उनसे पूछ सकते हैं सॉरी व्हाट. तो आप किसी से अगर कुछ भी कभी रिपीट करवाना चाहते हैं, तो आप उनसे कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं. दोस्तों, जब हम कोई एम्फेटिक क्वेश्चन बोलते हैं या किसी चीज पे जोर डालने को बोलते हैं, तो तब हम व्हाट शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं. सो जनरली इन सिचुएशंस वेयर यू डोंट नो द आंसर,
और आप आंसर करना चाहते हैं, सो यू कैन आंसर सिंपली लाइक वॉट एवर. ये बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है. फॉर्मल तरीके में इसको बिल्कुल मत यूज करिए, क्योंकि इसकी मैं गारंटी नहीं लेती कि फिर आपका बॉस क्या आपको कहेगा, राइट? सो इफ समबडी इज आस्किंग यू शुड आई वेयर दिस और दिस, सो यू कैन सिंपली आंसर वॉट एवर. या फिर जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पूछे कि व्हाट डू यू वांट टू ईट, बर्गर और पिज्जा, सो यू कैन सिंपली आंसर वॉट एवर, राइट? इसको अगर और किसी तरीके से जब आपको अपनी बात पे जोर लाना हो और अपनी बातों को कुछ मजेदार बनाना हो, तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं मैं बताती हूँ. सपोजिटली आप अगर किसी को कहना चाहते हैं लाइक व्हाट इज शी वेयरिंग, तो आप इसको कुछ ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाट ऑन अर्थ इज शी वेयरिंग. तो आपने डिफरेंस देखा दोनों सेंटेंसेस में. सेंटेंसेस का मतलब वही है, बट उसका इम्पैक्ट थोड़ा चेंज हो गया है. सपोजिटली आपके बॉस ने आपको कुछ करने को कहा और वो उससे उल्टा ही कर बैठे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि व्हाट ऑन अर्थ माय बॉस इज अप टू. अगेन दोस्तों, मेरी कोई गारंटी नहीं है, अगर आप ये चीज़ अपने बॉस के सामने कहते हैं तो थोड़ा ध्यान बरतिए और देखिए कि आप इनफॉर्मल सेटअप में है या एक फॉर्मल सेटअप में है, उस अकॉर्डिंग ही आप अपनी लैंग्वेज का प्रयोग कीजिए. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? इंटरेस्टिंग लगी? मज़ा आया ना? तो कुछ ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए आप ज़रूर हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप ही नहीं लेकिन आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपकी रिलेटिव्स हमारे साथ सीख सके इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे.